चलिए एक बार स्वागत करते हैं फिर से नए वीडियो में। और जैसा कि आपने देख लिया कि भाई ये डिलीवरी वाला काम कर रहा है ना, AWPL कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए हमने माइक लगाया है, इसलिए लगाया क्योंकि वॉइस नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा चलिए माइक लगा देते हैं और माइक के साथ हम डिलीवरी बोलते हैं, समझे। तो फिलहाल आपको ये जो नज़ारा दिख रहा है पटरी का है ना, रेलवे स्टेशन ये आ रहा है। यह इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम फिलहाल जा रहे हैं धनबाद, क्योंकि हमने संडे को छुट्टी मांगा है, क्योंकि पैसे इनकम भी बनाना है, समझे। पैसों के पीछे अगर भागोगे ना तो काफ़ी पैसा नहीं आएगा, इसलिए लोग के पीछे भागो। तो हमने सोचा चलिए साइड में वो बिजनेस करते हैं और साइड में ही बिजनेस करते हैं, लोग भी आएगा पैसा, ठीक है। तो लोग आ गया तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि हम समय उसका ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है। किसी का माइंडसेट नहीं होता गांव में होने के कारण से, लोग का माइंडसेट जो है ना गांव के जैसा है, सब उसका पापा हाँ या फिर कोई चाचा हो गया, क्या मामा हो गया, सिखा दिया गया है कि बेटा 10,000 ही होता है, 20,000 ही होता है, 30,000 ही कमा सकते हो, नहीं कमा सकते इससे ज़्यादा, ये सिखा गया है, कंफर्ट जोन में रखा गया है। और बहुत बड़ा ये माइंड को है दबा दिया गया है गांव की ओर से, और जिस कारण से पता चलता है यार नहीं कुछ होता है, इसलिए नौकरी के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, अगर आपने 5 साल 10 साल अगर अच्छे से आपने अगर कर लिया ना तो समझ लीजिए पुश्तों पीढ़ियों बैठ के खाएगा वो खाना। तो हम बिजनेस भी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, और प्लस में साइड में जो डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं वो तो ऐसे टेम्प्रोरी उसको ले लिए हैं, इसलिए तो संडे छुट्टी ले लिए हैं। और फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने होने वाला है रूबी स्टार, वहाँ पर बबलू सर हम आने वाले हैं, बात करेंगे, गिरिडीह के रहने वाले हैं वो, 1 हफ्ते का 22 लाख चेक उठाइए। तो फिलहाल अभी हम पार्श्वनाथ स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम ट्रेन का वेट करेंगे। और फिलहाल अभी हम आपको दिखाते हैं नैया घाट स्टेशन, ठीक है। और हमारे पास ये है सेलिब्रेशन, हम जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भी भीड़ होगा, आपको पूरा दिखाएंगे। गोल्ड 15,000 रुपया आ चुका है इसका। और फिलहाल अभी हम धनबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी हम उतरे नहीं हैं, लेकिन अभी बस देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी गर्दी है धनबाद आपका, यहाँ पर काफ़ी भीड़ आसन रहता है। और फिलहाल अभी हम ये भवन आ गए हैं जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, तो चलिए और चलते हैं इसके अंदर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गेटमैन खड़ा है, तो इसे पूछते हैं और अंदर घुसते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, देख सकते हैं यहाँ पर रूबी स्टार का सेलिब्रेशन होने वाले हैं, देख सकते हैं आप। माइंड को सेव किया, रिजेक्ट घर पे हमारा जिया जी के पिताजी का प्रदर्शन मार दिया था, जब उनका जब रिजेक्ट आने लगा मेरे दोस्त अंदर से एक आत्मविश्वास जगा, जाना चाहेंगे क्या विश्वास था, मुझे लगा कि यार कि किसी भी चीज में अगर क्वालिटी होगा तो दुनिया कोई ताकत नहीं काम को आगे बढ़ने से रोक सकता है। मेरे दोस्त रिजेक्ट आने लगा, जब एक व्यक्ति का रिजेक्ट आया, दो व्यक्ति का रिजेक्ट आया, अभी आप उन्होंने स्लाइड में देखे होंगे कुछ प्रोडक्ट के बारे में सर को बता रहे हैं, सुनो जब हमारे घर का रिजेक्ट आया विश्वास जगा, मैंने सोचा कि यार जब घर का रिजेक्ट आ सकता है छोटी सी प्रोडक्ट से तो बाहर में क्यों नहीं आया। सुनो मेरे दोस्त आज धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं कहना चाहता हूँ बहुत गर्व से कि ऐसे ऐसे केसेस हमारे हाथों की प्रोडक्ट हमारे संस्था के माध्यम से मेरे द्वारा रिजेक्ट आया। मेरे दोस्त आप फेसबुक में हमारे कुछ मित्र होंगे जो जानते होंगे, सुनो जो 9 से 10 साल से शादी के बाद जो लेडीज मां नहीं बन पाई थी, जिनकी घर उजड़ने वाले थे, खुशियां बर्बाद हो गया था, मेरे दोस्त वैसा वैसा घर पर भी रिजल्ट आ चुका है। मेडिकल सेंटर में गारंटी नाम कवर नहीं होते, आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। और जिस इंसान की घुटने की प्रॉब्लम है क्या करना पड़ेगा सर, घुटना चेंज करना पड़ेगा, 2,500 रुपए लगेंगे, डायबिटीज हो गया क्या करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा। यस अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है क्या करना पड़ेगा, हार्ट का सर्जरी करना पड़ेगा, 2,50,000 लगेंगे। अगर किसी को थायराइड हो गया तो क्या करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा। अगर किसी को बीपी हो गया तो क्या करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा। यस या नो? अब जिस इंसान को 2,50,000 रुपए खाने खर्च होने वाले थे, हार्ट का सर्जरी करने वाला था, अगर 10,000 का स्लीपियस का प्रोडक्ट यूज कर लिया, फायदा नहीं किया तो क्या होगा, जहां 2,50,000 लगने थे वहां 2,60,000 लग जाएंगे। लेकिन अगर 1% रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, उस इंसान को शरीर कटने से, बैडनेस होने से, और सबसे बड़ी बात है 2,40,000 बच जाएंगे। लोग मेडिकल सेंटर में लोगों से खर्च करना चाहता है,
लेकिन ये सीपीएस वैलेस हिंदुस्तान की पहले सी कंपनी है मेरे दोस्त, जहां हम लोग लोगों को पैसा बचा के पैसा कमाते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर सारी बातें सही है लेकिन क्या गारंटी है कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूं और मेरा काम चल जाए? यस या नहीं? अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा? अभी आपके बीच में आनंद सर आए थे, आए होंगे यस या नो? आए होंगे यस या नो? और बताए होंगे इस बिजनेस की शुरुआत के लिए कितना चाहिए? 15,000। अगर 15,000 रुपए आपके पॉकेट में खर्च है, गिर गया तो क्या आप रोड पे आएंगे? 15,000 को क्या कर सकते? बचा लेंगे तो क्या कर सकते? बैंक में डाल देंगे, एफडी कर देंगे, 7 साल में डबल हो जाएगा, 30,000। 30,000 में क्या कर लेंगे? कुछ हो पाएगा क्या? आप बताइए कौन सा ऐसा परिवार है जो अपने हेल्थ के लिए सालाना 15,000 से 20,000 रुपए नहीं खर्च करता? करते ही नहीं करते। तो यूं मान लेना एक बार अपने हेल्थ का सर्विस के बॉडी सर्विस के लिए 15,000 रुपए देते। अगर आप 15,000 देते तो 18,000 का प्रोडक्ट मिलता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो ये होगा, अगर बिजनेस चल गया तो जानना चाहेंगे क्या होगा? जानना चाहेंगे? अगर बिजनेस चल गया तो आप भी पिंटू सर की तरह वहां से चल के आएंगे फूल माले के साथ यहाँ स्टेज में। मैंने देखा था पिंटू सर मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए। और फिलहाल भी प्रोग्राम खत्म हो गया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इतना भीड़ होने के बाद अभी यहाँ पर है BMW गाड़ी, आपको दिखाते हैं BMW गाड़ी पूरा, आपको एक चक्का चक्का बाइक दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर BMW लिखा है चाक में भी, ठीक है। और दिखाते हैं इसका लोगो हम कहाँ है, BMW यहाँ पर भी लिखा है भाई। तो मतलब पूरा जाहिर बात है कि BMW कार है। चलिए थोड़ा सा अंदर का लोकेशन देखते हैं, यहाँ पर BMW पूरा। तो भाई अंदर का देख सकते हैं आप लोग BMW किस तरह मॉडल है, ठीक है। अंदर का मैं वीडियो बना दिया आपको, ठीक है, दिखाते हैं आप लोग। तो फिलहाल लेट हो गया मीटिंग से निकलने के बाद, तो ट्रेन मिस हो गया था, तो हमने ट्रक में हाथ मारा और बैठा के मुझे ले जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फटाक से हम। और लेट हो गया था जिस कारण से देख रहे हैं रात भी हो गया और काफ़ी ज़्यादा लाइट और सुंदर भी लग रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो में शेयर करना जरूर भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई मेहनत होता है, सक्सेस तो एक दिन मिलना है। जब तक मैं हारने वाला तब तक मैं हारने वाला नहीं हूँ। एक ऐसा इंसान लोग तब हार जाते हैं जब कोशिश करना छोड़ देते हैं, इसलिए कोशिश करो, जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज़।